अखंड धन प्राप्ति के लिए या मनोकामना पूर्ति के लिए मनसा देवी साधना। माता मनसा को भगवान शिव के मानस पुत्री के रूप में पूजी जाती है। भगवान शिव का मस्तक से प्रकट होने का कारण इनका नाम मनसा देवी पड़ा। नागराज वासुकी की बहन के रूप में भी इनकी पूजा होती है। हे हर तरह से भक्तों का मनोकामना पूरी करके सभी तरह से भक्तों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये नाग माता के रूप में भी जानी जाती है। इनका प्रमुख सिद्धपीठ हरिद्वार में है। इसे छोड़ के चंडीगढ़ का पाचकुला वे इसका बहुत ही बड़ा मंदिर है। पश्चिम बंगाल के हर एक घर में इनका पूजा होती है। पश्चिम बंगाल में इनका लाखों के ऊपर इनका मंदिर है। इसे छोड़ के भी हर एक शिव मंदिर में देवी मनसा का पूजा होती है। मनसा देवी का कथा को लेके एक बहुत ही फेमस किताब है जिनका नाम है मनसा मंगल। ये बहुत ही लोकप्रिय देवी है। इन मनसा मंगल को लेके एक फेस्टिवल भी होता है बंगाल में। माता मनसा देवी का मंत्र बहुत ही शक्तिशाली अचूक मानी जाती है। इनका मंत्र का सिर्फ उच्चारण से शरीर में रक्त का संचरण में वृद्धि होने लगती है, जिसमें शरीर से आलस समाप्त होके मन में या शरीर में स्फूर्ति बनने लगती है। अखंड धन प्राप्ति के लिए इन मंत्रों का प्रयोग की जाती है। इस मंत्र से हर तरह का सर्प को लेके भय को नष्ट कर देती है। संपत्ति से लेके वाद विवाद समाप्त होने लगती है। आर्थिक नुकसान होने का संभावना कम होते हैं। हर तरह से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। ये मंत्र जप करने से या पूजा करने से घर में पति पत्नी का संपर्क फिर से मधुर होने लगती है, जिससे घर में खुशहाली आती है। ये हर तरह का सुख समृद्धि का आह्वान करती है और सुख समृद्धि देती है ये मंत्र जप करने से। ये मंत्र जप करने से हर तरह का भूत प्रेत बाधा में लाभ मिलता है। घर में सुख धन की प्राप्ति होती है। ऐसा धन जिसमें किसी का नजर नहीं लग सकता ऐसा धन को शुभ धन कहते हैं। शुभ धन का प्राप्ति होती है। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा होने का मौका मिलता है। ये मान सम्मान देते हैं ये मंत्र जप करने से। हर तरह की पीड़ा में महिला इन मंत्रों का जप करने से उनको रिलीफ मिलता है। दवा मिलने पे भी राहत नहीं मिलता है तब इनका मंत्र का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। इससे आपका लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं कैसे करेंगे इनका साधना। अपना घर में कोई भी शांत कमरा चूज कर लीजिए। वहाँ पर ढीले ढीला कपड़े पहन के बैठ जाइए। सामने एक माता मनसा देवी का एक फोटो रख दीजिए। उनके सामने एक सांप का पुतला स्नेक का पुतला रख दीजिए। एक कटोरी में दूध और साथ में केले रख दीजिए। फल दे दीजिए, कुछ फूल से सजा दीजिए। आप उनका सामने बैठ जाइए। 10 बार साधारण से प्राणायाम कीजिए आपका शरीर के शुद्धि के लिए। यानी एक नाक से सांस लीजिए, जितना देर हो सके उसको रोके, उसके बाद धीरे से सांस को छोड़िए। ऐसे करके 10 बार साधारण प्राणायाम कीजिए। आप उनके सामने एक मुद्रा बनाइए। ये जो 3 उंगली है, 3 उंगली को एक साथ जोड़ दीजिए। इसको ऐसे जुड़ के ऐसे करके मुद्रा बनाइए। इसको मुद्रा बोलते हैं, शक्ति मुद्रा बोलते हैं। ये मुद्रा बना के अपना दोनों आँखों के बीच यानी आपका आज्ञा चक्र में ध्यान करते हुए मनसा देवी मंत्र ओम ह्रीम क्लीम ऐम मनसा देवी स्वाहा। ओम ह्रीम क्लीम ऐं मनसा देवी स्वाहा। ऐसे करके मंत्र को रोज 15 मिनट करके 27 डेज तक जॉब करते रहिए। 27 दिन जॉब कीजिए। ये सूर्यास्त के बाद ये मंत्र जॉब करने से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा।
ये मंत्र किसी किसी भी स्त्री या पुरुष जप कर सकते हैं। 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री या पुरुष इनका जप कर सकते हैं। स्वामी स्त्री एक साथ जप करने से लाभ 10 गुना ज़्यादा प्राप्ति होगा। इस मंत्र का जप करने के समय धूम्रपान मद्यपान से खुद को बचाए, निरामिष आहार पालन कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। मासिक पीरियड के समय महिला इनका साधना ना करे। ये मंत्र बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग एंड इफेक्टिव है, तो इसलिए पूरी श्रद्धा होने पर ही इस मंत्र का उपयोग करे, वरना ना करे। अगर आप कुछ स्पिरिचुअल एक चीज याद रखिए, अगर आप कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं, तुरंत ही प्रकृति या सृष्टि या फिर विश्व ब्रह्मांड आपका परीक्षा लेना शुरू कर देती है। हर तरह का अड़चन आने लगती है, आपको साधना में बहुत सारा बाधा विघ्न महसूस होगा, फिर भी दृढ़ संकल्प के साथ इनका साधना कीजिए। ऐसे करके साधना करने के कुछ ही दिन बाद ही आप महसूस करने लगेंगे आपको एक चेंजेस पॉजिटिव फाइव्स आ रहे। जैसे जैसे आपको परिवर्तन महसूस होने लगे, तब जैसे जैसे आप खुद को थोड़ा शांत स्वभाव का बना लीजिए, सबके साथ अच्छे से बस बिहेव कीजिए, गुस्सा ना दिखाए, क्योंकि आपका ये जो मंत्र जप करने से आपका शरीर में जो ऊर्जा आपको मिलेगा, उससे आप किसी के ऊपर गुस्से के द्वारा किसी के ऊपर मंत्रों का प्रयोग करने से उसका हानि भी पहुँच सकते हैं। ऐसा करने से प्रकृति आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपका कारण किसी का अगर कुछ डैमेज होता है तो उसका लिए आपको भी दर्द सहन करना पड़ता है। इसलिए इस मंत्र का प्रयोग आपका शत्रु के ऊपर या किसी के साथ गुस्सा होने पर ना करें। ये मंत्र सिर्फ आपका मनोकामना पूर्ति के लिए, अखंड धन प्राप्ति के लिए कीजिए। आपका फैमिली में किसी मेंबर का अगर तबीयत खराब है, उसको सही करने के लिए कीजिए। आप जानते हैं इस मंत्र जप का और कुछ नियम। अगर आप घरेलू है, स्टूडेंट है या फिर कुछ नौकरी करने वाला है, तब इस मंत्र का जप आप पूरब की ओर और मुंह करके जप करें। अगर आप बिजनेस करते हैं या फिर कोई कला क्षेत्र यानी कोई एक्टिंग कुछ ऐसा कुछ काम पे ऊपर है, तो आप पश्चिम की तरफ मुंह करके इन मंत्रों का जप कीजिए। अगर आप लॉटरी, शेयर मार्केट, होटल का व्यवसाय, बैंक का व्यवसाय या फिर मेडिकल बिजनेस के साथ जुड़ा हुए है, तब आप उत्तर की तरफ मुंह करके इस मंत्र का जप कीजिए। अगर आप जमीन का दलाली, लोहा, चमड़ा, कोयला या फिर ऐसा कुछ पेशा के साथ जुड़ा हुआ है जिससे आपको दलाली लेना पड़े या देना पड़े, तो आप दक्षिण की तरफ मुंह करके इस मंत्रों का जप करें। आशा करता हूँ ऐसा करके जो मंत्रों का प्रयोग करने से आप अपना जीवन में परिवर्तन कर पाए, मनसा देवी का कृपा लाभ करें। धन्यवाद।